मित्रों नमस्कार। सिद्ध आयुर्वेद चैनल पर आपका स्वागत है। और आज फिर एक महत्वपूर्ण नुस्खा आमवात के विषय में। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, जो भाई बहन हमसे नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन भी दबाएं, ताकि सबसे पहले नुस्खा आपके पास पहुंचे और आप उससे लाभान्वित हों। और लाइक का बटन भी अवश्य दबाएं, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट। तो आमवात के विषय में आज हम चर्चा करेंगे। आमवात का अर्थ है, आम का जो अर्थ यहां पर है वो है अपरिपक्व, यानी ठीक से भोजन का नहीं पचना। और वात का मीनिंग है शरीर में वायु का प्रवेश। तो अपरिपक्व भोजन से शरीर में वायु प्रवेश कर जाती है और वह जहां पर भी रुकती है वहां दर्द महसूस होता है। रूमेटाइड आर्थराइटिस, जोड़ों में दर्द पैदा होना, यूरिक एसिड जमा हो जाना, ये सब अपरिपक्वता के कारण ही उत्पन्न होता है। तो इसमें जो हम चिकित्सा करते हैं वो भी इसी प्रकार से चिकित्सा करते हैं, ताकि खाना ठीक से पचे, आव शरीर में ना बने और वायु का विचरण समान रूप से शरीर में हो। तो इसके लिए मैं आज आपको एक बहुत महत्वपूर्ण नुस्खा दे रहा हूँ, आप जीवन में याद करेंगे। आपको किसी भी प्रकार का दर्द शरीर में क्यों ना हो, जोड़ों में दर्द है, गठिया है, साइटिका है, वायु का दर्द, कहीं पर भी क्यों न हो, आप इस नुस्खे को 40 दिन तक लगातार प्रयोग करें। 40 दिन के अंदर ही आपका सब प्रकार का जो दर्द है वो समाप्त हो जाएगा। तो इसमें आपको लेना है सबसे पहले 3 द्रव्य। सौंठ, जो सूखे अदरक को बोलते हैं सौंठ, और गिलोय। गिलोय का कम से कम उंगली के मोटाई जैसा तना होना चाहिए। और तीसरा इंग्रेडिएंट है निर्गुंडी। देखिए निर्गुंडी ये भी जंगल में मिल जाती है, या फिर आपको पंसारी के यहाँ ये तीनों चीजें प्राप्त हो जाती है। लेकिन ये बात का ध्यान रखना आवश्यक है कि ये सड़ी गली ना हो, ताजी हो, अधिक पुरानी ना हो, क्योंकि अधिक पुरानी जड़ी बूटियों में गुणहीन हो जाती है, उनमें गुण नहीं रहता, औषधीय गुण उनका समाप्त हो जाता है। इसलिए इस बात का ध्यान आप अवश्य रखें। ये 3 द्रव्य हैं, तीनों को दरदरा कूट लीजिए। जवकुट आयुर्वेद में इसको बोलते हैं, जवकुट कर लीजिए और जवकुट करके इसको सुरक्षित रख लीजिए अपने पास। इसमें से आपको लगभग 15 ग्राम एक बार में लेना है, 10 से 15 ग्राम की मात्रा एक बार में लेना है और 3 कप पानी में उसको पकाना है। जब पकते पकते 1 कप रह जाएगा तो उसको आप बारीक कपड़े से छान लीजिए और छानने के पश्चात उसमें 2 चम्मच कैस्टर ऑयल, अरंडी का तेल मिक्स कर लीजिए और इसको सुबह शाम खाना खाने से 1 घंटा पहले, यानी खाली पेट, नवाया नवाया हल्का सा गरम पी जाइए, धीरे धीरे इसको पी जाइए। और यदि आपको अधिक तकलीफ है और बहुत पुरानी तकलीफ है तो इसी के साथ योगराज गूगल या स्थिति के अनुसार, जैसी जिसकी स्थिति है, ये किसी भी वैद्य या किसी कुशल चिकित्सक से आप जांच करा सकते हैं अपनी, कि आपकी स्थिति क्या है, कितना पुराना रोग है और शरीर में कितनी गहराई तक इसका प्रभाव है और इसको कौन सी औषधि की आवश्यकता है। तो मैं आपको बता देता हूँ, योगराज गूगल, महायोगराज गूगल, गोक्षुर आदि गूगल, अमृत आदि गूगल, त्रिफला आदि गूगल, तो ये अनेक प्रकार के गूगल आते हैं। तो इनमें से स्थिति के अनुसार कोई भी एक
या एक ही समय में दो भी प्रयोग किए जा सकते हैं। इसमें से दो दो वटी इसी काढ़े के साथ सुबह शाम आप लेते रहिए। और वायु वृद्धि वाले जितने भी पदार्थ हैं, खाद्य पदार्थ, उनको बंद कर दीजिए। इसमें गोभी है, मटर है, राजमा है, छोले हैं, भिंडी है, अरवी है, ये इस प्रकार के जो खाद्य पदार्थ हैं ये वायु वृद्धि वाले होते हैं, इनको आप अवश्य बंद कर दीजिए, क्योंकि आयुर्वेद में परहेज बहुत आवश्यक है। तो इस प्रकार से आप इसको निरंतर 40 दिन तक प्रयोग करें, आप देखेंगे आपके शरीर में वायु का कोई किसी भी प्रकार का दर्द नहीं रहेगा और आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाएंगे। तो भाइयों बहनों, आज बहुत ही महत्वपूर्ण नुस्खा मैंने अपना दिया है, ये मेरा अनुभूत नुस्खा है और आप इसको अपने सभी मित्रों को, संबंधियों को शेयर अवश्य करें, इससे लाभ उठाएं। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकॉन भी दबाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।